तो फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 19 अक्टूबर और आज आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर, इसके साथ ही आज होने वाले राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के मैच को लेकर और सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 9 बड़ी खबरें, 9 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर आज होने वाले मैच को लेकर और सभी आईपीएल टीमों को लेकर आज कौन सी 9 बड़ी खबरें, कौन से 9 बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे माई 11 सर्कल की, जो कि बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी ऐप है जहां आप बड़े बड़े चैंपियंस जैसे सौरभ गांगुली, शेन वॉटसन और राशिद खान के साथ खेल सकते हो। यहां फैंटेसी क्रिकेट खेलना काफ़ी ईजी है, जहां दोनों ही टीमों में से आपको अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी होती है। इंडियन T20 लीग के दौरान अगर आप सौरभ गांगुली की टीम को हराते हैं तो आपको आपके विनिंग का 2 गुना कैश मिलेगा। यहां हर हफ्ते 1% करोड़पति बनता है और अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाता है। पहले डिपॉजिट पर आपको यहां मिलेगा 1500 रुपये का कैश, साथ ही साथ हमारे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल 20% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर जो 9 बड़ी खबरें निकल कर रही, इनमें जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये सुनील नारायण की तरफ से। दरअसल अपने बॉलिंग एक्शन के चलते हुए पिछले 3 मैचों से लगातार ये प्लेइंग 11 से बाहर बैठे हैं और इनके प्लेइंग 11 में ना होने की वजह से पिछले 3 में से 2 मैच केकेआर की टीम हार चुकी है और कल हुए हैदराबाद के मुकाबले के बाद इस टीम के कप्तान ओयन मॉर्गन ने स्पष्ट कर दिया कि सुनील नारायण का बॉलिंग एक्शन क्लियर हो चुका है। जो इन्होंने नया बॉलिंग एक्शन डेवलप किया था वो अब बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से क्लियर कर दिया जा चुका है और अब जो यहां पर केकेआर की टीम का अगला मुकाबला यहां पर आरसीबी के खिलाफ 21 अक्टूबर को होगा, उस मुकाबले में 100% कंफर्म्ड रूप से सुनील नारायण हमें खेलते हुए दिखेंगे और इनके कमबैक कर लेने के बाद केकेआर की टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। हाल फिलहाल 10 पॉइंट्स के साथ ये टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर बनी हुई है और सुनील नारायण के कमबैक के बाद हो सकता है ये टीम 3 मैच लगातार जीत कर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस साल केकेआर की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं, और अगर सुनील नारायण के आ जाने के बाद सुनील नारायण को प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर की जगह प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए या फिर जगह मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर रही है वो ये मुंबई इंडियंस के ईशान किशन की तरफ से। दरअसल कल हुए मुकाबले में फील्डिंग करते वक्त ईशान किशन इंजर्ड हो गए थे, इनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई थी, उसके बाद ये फील्ड से बाहर चले गए थे। इसके बाद सुपर ओवर में ना ही ये फील्डिंग करने आए थे ना ही बल्लेबाजी करने आए थे और अब जो इनकी इंजरी की रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग ये लगभग कंफर्म्ड दिख रहा है कि अपकमिंग 2 से 3 मैचों के लिए ये बाहर हो चुके हैं। 2 से 3 मैचों में हमें ये प्लेइंग 11 का भाग नहीं होते हुए दिखेंगे, तो एमआई की टीम को अब दोबारा से सौरव तिवारी को आने वाले 2 से 3 मैचों के लिए प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ईशान किशन के बाहर होने से एमआई की टीम को अपकमिंग मैचेस में नुकसान होगा या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये अंपायर पश्चिम पाठक की तरफ से। दरअसल आप स्क्रीन पर फोटोज और वीडियोज देख पा रहे होंगे, कल हुए हैदराबाद और केकेआर के मुकाबले में पश्चिम पाठक अंपायरिंग करते हुए दिखे थे, लेकिन 90% लोगों को यह लग रहा था कि फीमेल अंपायर्स को आईपीएल में इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन मैच के बाद काफी सारे लोगों के लिए क्लियर हो चुका था कि एक मेल अंपायर है। दरअसल पश्चिम पाठक इससे पहले 2014 में अंपायरिंग कर रहे थे, आईपीएल में 2014 में इन्होंने अंपायरिंग करी थी और लगभग 5 से 6 साल बाद अब दोबारा से अंपायरिंग करने आईपीएल में आए हैं। दरअसल यूएई में आईपीएल में अंपायरिंग करने के लिए लगभग 6 अंपायर्स ने मना कर दिया था, इसी वजह से बीसीसीआई ने यहां पर पश्चिम पाठक को दोबारा से हायर किया है। दरअसल बता दें कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी बड़े लेवल पर या फिर बड़े टूर्नामेंट्स में ही हमें अंपायरिंग करते हुए दिखते हैं और आईपीएल में दोबारा से 6 साल बाद ही अंपायरिंग करते हुए दिखे हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए जब आपने टीवी पे इनको पहली बार देखा था तब आपको ये मेल अंपायर लगे थे या फिर फीमेल अंपायर लगे थे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये हैदराबाद पंजाब सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल इन चारों ही टीमों के अब कल के मुकाबलों के बाद प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस बढ़ चुके हैं। दरअसल आईपीएल 2020 के सीजन के पॉइंट्स टेबल को लेकर और प्लेऑफ्स को लेकर हमारे चैनल पर लगभग 1 से 1.5
घंटे बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो आएगी। उस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और पता चल जाएगा आखिर इन चार टीमों में से कौन कौन सी टीमें अब भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब वो वीडियो आए तो वीडियो आप मिस ना कर पाए। इसके बाद बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये ड्यूएन ब्रावो की तरफ से। दरअसल पिछले मैच में ड्यूएन ब्रावो फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुए थे, इसी वजह से इन्होंने आखिरी ओवर गेंदबाजी नहीं करी थी और सीएसके की टीम को उस मुकाबले में हार मिली थी। लेकिन अब इनकी इंजरी रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है और यहाँ पर ड्यूएन ब्रावो भी अपकमिंग 2 से 3 मैचों के लिए बाहर हो चुके हैं। आज जो सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की टीम का मैच होगा काफी इंपॉर्टेंट मैच होगा। उस मैच में ड्यूएन ब्रावो में प्लेइंग 11 का भाग नहीं होते हुए दिखेंगे, मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए ड्यूएन ब्रावो की जगह आज कौन से प्लेयर को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जोश हेजलवुड को जगह मिलनी चाहिए या फिर इमरान ताहिर को जगह मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो छठी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये केकेआर के अली खान की रिप्लेसमेंट को लेकर। दरअसल हैरी गर्नी की जगह अली खान केकेआर की टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, पर अब अली खान भी इंजर्ड होकर आईपीएल से बाहर हो चुके हैं और केकेआर की टीम ने यहाँ पर न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम शेफर्ड को इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड किया है। और ब्रेंडन मैकेलम की पर्सनल चॉइस थे, ब्रेंडन मैकेलम ने ही इनको केकेआर की टीम में जगह दी है और आने वाले लगभग 7 दिन बाद ही आकर केकेआर की टीम को ज्वाइन कर लेंगे। क्वारंटाइन पीरियड समाप्त करने के बाद ही केकेआर की टीम के साथ जुड़ जाएंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने अली खान की सही रिप्लेसमेंट घोषित करी है या फिर नहीं, आपके अकॉर्डिंग और कौन से प्लेयर को रिप्लेसमेंट बनाया जा सकता था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये आंध्र असल की तरफ से। दरअसल कल हुए मुकाबले में आंध्र असल एक बार फिर से इंजर्ड हो गए थे और इस बार इनकी इंजरी हो सकता है कि इनको 1-2 मैचों के लिए प्लेइंग 11 से बाहर कर दे। दरअसल जब ये आखिरी ओवर कर रहे थे तब ये पूरी तरीके से फिट नहीं थे, इसके बाद इन्होंने सुपर ओवर में बल्लेबाजी भी नहीं करी थी, ना ही ये फील्ड पर दोबारा दिखे थे। तो अब यहाँ पर केकेआर की टीम के लिए चिंताएं बढ़ चुकी है सुनील नारायण के कमबैक के बाद। अब आंध्र असल को हो सकता है कि आने वाले 1-2 मैचों के लिए बाहर कर दिया जाए, हो सकता है कि आने वाले 1-2 मैचों के लिए वो टीम से बाहर हो जाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आंध्र असल की जगह अब केकेआर की टीम को अपकमिंग मैचेस में कौन से प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में जगह देनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये आरसीबी के एरोन पिंच की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच जो मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में यहां पर एरोन पिंच स्मोक करते हुए पकड़े गए थे। दरअसल जब ये ड्रेसिंग रूम में स्मोक कर रहे थे तो कैमरा ने इनको कैप्चर कर लिया था और अब बीसीसीआई को ये सारी खबर मिल चुकी है। बीसीसीआई इस मामले में जांच करेगी और इसके बाद हो सकता है कि एरोन पिंच पर आईपीएल 2020 के सीजन में 1 से 2 या फिर 3 मैचों का बैन लगा दे, जल्दी इस पर फाइनल अपडेट हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो नवी और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये आज के मैच को लेकर। आज राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के बीच काफी इंपॉर्टेंट आईपीएल का मैच होगा। इस मैच में जिस टीम को हार मिलेगी वो टीम लगभग आईपीएल से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए 1 कदम आगे बढ़ जाएगी। वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम आज आईपीएल 2020 के सीजन से बाहर होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।